तुम समझते क्यों नहीं कि अगर मैं तुम्हारे साथ 2 मिनट और रही तो क्या ना? मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा फिर से, और तुम्हें नहीं फिर से। चुरा लूंगी मेरे म्यूजिक। किस ब्लॉकबस्टर फिल्म की रीमेक में नजर आएंगे सलमान खान? आखिर क्या होने वाली है फिल्म की खास बातें? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं सोनिका जयाल। दोस्तों, बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान इन दिनों अपनी फिल्मों को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चाओं में है। सलमान खान आने वाले टाइम में बहुत बिजी है और साल 2023 तक बुक्ड है। बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख की फिल्म पठान में वो केमियो कर रहे हैं, तो एक था टाइगर के अगले पार यानी कि टाइगर 3 में कटरीना के साथ रोमांस और एक्शन करने को तैयार है। इसी बीच अब सलमान खान अपनी पुरानी फिल्म को लेकर चर्चाओं में आ गए हैं। रिपोर्ट्स की माने तो ये फिल्म सल्लू की सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली फिल्मों में से एक है। अब वो इस फिल्म के रीमेक के साथ एक बार फिर से तहलका मचाने को तैयार है। बॉलीवुड स्टार चाहे वो अजय देवगन हो या अक्षय कुमार हो, इन दिनों जमकर साउथ की फिल्मों का हिंदी रीमेक कर रहे हैं। सलमान खान भी साउथ की फिल्मों में नजर आ चुके हैं। इस बीच सलमान खान और एक्ट्रेस भाग्यश्री की साल 1989 में रिलीज हुई मैंने प्यार किया, जो कि आइकॉनिक फिल्म थी, उसकी बातें हो रही हैं और कहा जा रहा है कि इसका रीमेक आएगा। इस फिल्म के लीड रोल में सलमान खान ही नजर आने वाले हैं। रिपोर्ट्स की माने तो मैंने प्यार किया के पुराने डायरेक्टर ने सलमान खान को फिल्म में आने के लिए अप्रोच किया है। फिल्म में सलमान खान के अलावा 2 और हीरो नजर आने वाले हैं, जिनको कास्ट करने की जिम्मेदारी नए डायरेक्टर को दी गई है। आपको बता दें, सलमान खान और एक्ट्रेस भाग्यश्री की मैंने प्यार किया के रीमेक का क्या नाम होगा, इसका कोई खुलासा नहीं हुआ है। रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया है कि जल्द ही खुलासा किया जाएगा। आप कितने एक्साइटेड हैं एक बार फिर से सलमान खान को मैंने प्यार किया वाले प्रेम बनने देखने के लिए, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़ को।